समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों को ज्वाइंट रन ने मेरा पार्लियामेंट दिया था दोनों पार्टी, यानी लाल टोपी नीली टोपी आधी लाल थी आधी नीली थी, अभी लाल अलग हो गई नीला अलग हो गया। आप किसी गांव में चले जाइए, हम जाते से उसे पूछे सांसद कौन है, हमें ना मालूम भैया, और चार तारीख पता चल जाएगा जोधपुर जनता ज्ञानी थे ज्ञानी। कृपाशंकर जी कैसे हैं आप? अच्छा है सर, कैसी चल रही है वोटिंग? अच्छा, मतलब लोगों में उत्साह है इस बार। हाँ, सुबह थोड़ी धीमी रफ्तार नजर आई थी, लेकिन आपको लग रहा है कि दिन तक शाम तक आते आते रफ्तार बढ़ेगी? अभी हालांकि गर्मी भी कुछ जो कुछ ऐसी रिपोर्ट ऑफिशियल तो नहीं मिली है, लेकिन 18-19% तक कई जगह। हाँ तो हाँ तब की बात है, तो उत्साह है लोगों में, थोड़ा दोपहर टाइम होता है गर्म हो थोड़ा मतलब ये हो जाता है। अच्छा कृपाशंकर जी, इस बार क्योंकि वैसे तो जौनपुर अपने आप में हॉट सीट है, लेकिन इस बार जो समीकरण सियासी समीकरण में पूरी तरीके से बदल गए, और खासतौर पर धनंजय सिंह ने भी अपना समर्थन जो है वो आप लोगों के लिए किया, तो आपको लग रहा है कि अब जो मुकाबला है वो नहीं रहा है, वॉकओवर हो गया बीजेपी के लिए, ऐसा लग रहा है आपको? चुनाव तो चुनाव होता है, मतदान हम करेंगे तो उसका परिणाम आएगा, क्योंकि हमारी इश्यू को हम जाहिर वहां कर सकते हैं, बाहर देखिए सब में उत्साह है, लेकिन मतदान जब तक नहीं होगा तो उससे मतलब लोगों में वन साइड कहना अभी ठीक नहीं है, चुनाव चुनाव होता है। दरअसल जो आकलन करने वाले हैं जो चुनावी पंडित हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी के लिए जो टिपिकल सीट हैं, और चाहे 2019 के चुनाव की बात करो, उसमें से एक जौनपुर की जिम्मेदारी आपको मिली है, उसमें ये एक बड़ा लीड के तौर पर देखा जा रहा है, और एक वोट बैंक है जो धनंजय सिंह को भी सपोर्ट करता है, एक आपका भी वोट बैंक है जो बीजेपी का है, अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है? मतलब समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का ज्वाइंट मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिया था उन्होंने दोनों पार्टी, यानी लाल टोपी नीली टोपी आधी लाल थी आधी नीली थी, अभी लाल अलग हो गई नीला अलग हो गया है, तो नीला नीला अलग होने से जो जो प्रत्याशी दिया था जो सांसद है अभी भी, आप किसी गांव में चले जाइए, हम जाते ही से उसे पूछते सांसद कौन है, हमें ना मालूम भैया, यहाँ कभी आया कभी नहीं, कुछ किया कुछ नहीं किया, कहीं बोर्ड पटिया कुछ नहीं है। और बसपा से एक कोऑर्डिनेटर से एक पत्रकार मित्र ने पूछा कि भैया सब बदल बदल के अभी किसको लाए हो, तो उसका क्या जवाब था, फिर वही लाया हूँ। वो जौनपुर की जनता के दिलों को छेद करने वाला वही दिलाया है, तो जनता बताएगी, जनता जनता बताए, मतदाता बताएंगे एक ने। और सबसे खराब बात क्या है, सांसद मेरा मित्र भी है, जो पॉलिटिकल मित्रता होती है मित्र है, उनसे कहा कि लोग कह रहे हैं कि आप तो यहाँ आए नहीं कुछ किए नहीं, तो उसका जवाब था सांसद श्याम सिंह यादव का, पढ़े लिखे आदमी का, कि यहाँ की जनता अज्ञानी है, तो अगर यहाँ की जनता अज्ञानी है तो अपने ज्ञान का परिचय आज दे रही है, और चार तारीख पता चल जाएगा जौनपुर जनता ज्ञानी थी अज्ञानी है। कि जो नुकसान बसपा को हुआ, उन्होंने उसे पूरा टेक ओवर करने के लिए पहले तो टिकट रिपीट कर दिया, और फिर ये कह दिया कि जो धनंजय सिंह है उनकी पत्नी वो तो खुद ही अपना टिकट कटवा कर चले गए, तो उन्हें पहले ही घबराहट हो रही थी, और बीजेपी अब जो है उनके जरिए अपना वोट बैंक है उसे मजबूत करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को जो भी समर्थन करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन करता है, योगी आदित्यनाथ जी को समर्थन करता है, किस लिए ये चुनाव कोई मतलब खाना नहीं चाहिए, अखिलेश यादव जी बाकी ये बसपा के इसके उसके राजू श्रीवास्तव के चले जाने बाद ये लोग मिमिक्री कौन अच्छा कर सकता है, इसकी होड़ लगी हुई है। मतलब पढ़ा लिखा आदमी कहता है मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुख्यमंत्री रहा आदमी, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता है, मतलब किस शब्दों से पुकार रहा है, ये देश नहीं बर्दाश्त करता, और देश में प्रतिपक्ष की भूमिका रही है। इंदिरा जी गांधी जब पाकिस्तान के टुकड़े करके आई तो उस समय प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, वो खड़े होके पार्लियामेंट में सल्यूट किया, बोले दुर्गा आ रही है, तो राष्ट्र के लिए मतलब काम करने वालों को, लेकिन हम क्या करेंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि सांसद जो हैं वो पहुंचे ही नहीं, क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमने तो कभी देखा ही नहीं, और वही लोग जो विपक्ष वाले वो कहते हैं कि बाहरी लोगों को जो है बीजेपी ने मैदान में उतार दिया,
किसको आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है कि जो कृपा शंकर हैं वो तो महाराष्ट्र के अंदर लड़ रहे थे, उसके बाद उन्हें यहाँ पर उतारा, उन्हें यहाँ की राजनीति के बारे में नहीं जानकारी है? नहीं पता, इनके इनके प्रत्याशी को पता है, इनके इनके धर्मेंद्र को पता है कि आजमगढ़ क्या है, इनको पता है कन्नौज क्या है, अखिलेश जी मालूम कन्नौज क्या है, कन्नौज का नक्शा बता देना, मुख्यमंत्री भी रहे हैं ये लोग, सिर्फ सिर्फ डाइवर्ट करने की भूमिका निभाने के पास कोई मुद्दा नहीं, ये कोई मुद्दा हो सकता है? बताओ, लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है, मतलब लोकसभा का, देश कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, क्या बेरोजगारी कैसे मिटेगी, मतलब आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। अभी मैं 21 साल की उम्र, मुझे क्यों जाना पड़ा, अगर यहाँ उद्योग रहता हम ही नहीं, ऐसे मरुगपुर गांव में खड़े यहाँ सभी लोग हैं, क्यों जाना पड़ा, इस पे नहीं सोचा? हाँ, मैं वो सोच रखता हूँ कि मतलब आने 3-4 साल के बाद मैं कह सकता हूँ कि अगर जनता का आशीर्वाद मिला 3 या 4 साल के बाद, जौनपुर का हमारी युवा पीढ़ी रोजी रोटी के लिए किसी अन्य स्तर में नहीं जाएगी। जनता से क्या अपील करेंगे, आज वोटिंग का डे है और जाहिर है कि जब जरूरत पड़ती है सेना पे तो जवान नहीं देखता कि बर्फ -12 है कि ऊपर धूप जो है 56 है। आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये देश के मतदाता यही सैनिक है, यही वायुसेना, यही थल सेना, यही जल सेना, इनको डट के धूप में गर्मी मतदान करना चाहिए, क्योंकि मतदान करेंगे तो इनके दिल की बात वहां आएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि एक चीज और बता दूं, भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, भगवान राम को अहंकार ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था। भगवान रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बड़ी बात नहीं है, एक विद्वान रावण कैसे होता है, रावण कोई नाम नहीं है, रावण प्रवृत्ति है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तुमने न्योता ठुकरा दिया और तुम कहते हो भगवान राम क्या जरूरत, कौन है भगवान राम, भगवान राम काल्पनिक है, मतलब कांग्रेस ने कहा कि भगवान राम काल्पनिक है और इसकी सरकार समाजवादी की कार सेवकों पे, उन सनातनियों को जो राम कह रहे थे गोली चलवाई, और तो और वो इनका जो यह है अपना क्या नाम उसका, राम गोपाल यादव, उसके बाप ने राम गोपाल राम नाम रखा, बोलता मंदिर बेकार है, तो इस देश में हुई है वही जो राम रचना का, रामलला जो चाहे वही होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कृपा शंकर जी, साफ तौर पर ये कह रहे हैं और जौनपुर से उम्मीदवार भी हैं इस बार, और सबसे बड़ी बात है वो दावा कर रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं वो भारी संख्या मतदान भी करेंगे और लोकतंत्र को बचाने का ये पूरी तरीके से चुनाव है जो जौनपुर की जनता अपना विवेक से इस बार तय करेगी। कैमरामैन अजय के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, जौनपुर।